हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अबू धाबी टी10 लीग का चौथा मैच है फ्रेंड्स, और ये मैच पुणे डेविल्स वर्सेस कलंडर्स के बीच में खेला जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 6 घंटा 40 मिनट और टाइम बाकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं 14 टॉपिक यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अगर ये 14 टॉपिक आप देख लोगे तो ग्रैंड लीग आसान से जीत जाओगे। तो फ्रेंड्स, वो कौन से टॉपिक होने वाले, चलिए फ्रेंड्स वो डिटेल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप बी है फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथा मैच खेला जा रहा है और ये अबूधाबी टी10 लीग 2021 का है। तो ये मैच शेख जायद स्टेडियम अबूधाबी में खेला जाएंगे और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 5:30 बजे होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं मैच डिटेल्स बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, और दोनों टीम की न्यूज़ क्या, अभी तक कितने मैचेस खेले, कितने मैचेस हारी है, प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, दोनों टीम की प्लेयर्स की स्टार्ट क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, की प्लेयर्स कौन होने वाला है, तो प्लेयर स्टार्ट्स मतलब रिसेंट मैचेस क्या परफॉर्मेंस है वो, की प्लेयर्स दोनों टीम के की प्लेयर्स कौन है, कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन बनाने वाला है ग्रैंड लीग हेड टू हेड के लिए, पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर। पिच क्या, बॉलिंग है, बैट्समैन है, बैलेंस है, ये पता रहना चाहिए। स्पिनर्स को कितना सपोर्ट मिल रहा है और फास्ट पेस बॉलर्स को कितना सपोर्ट मिल रहा है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। और दोनों टीम की फॉर्म, लास्ट 5 मैच में कितने मैचेस जीते, हेड टू हेड इन दोनों टीम के बीच, इन दोनों टीम के बीच कितना बार हुआ, ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, विनिंग चांसेस, कौन सी टीम हाई चांसेस है, ड्रीम 11 टीम आपको मैं देने वाला हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद बोथ टीम की इन्फॉर्मेशन, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, फेस बॉलर, स्पिन बॉलर, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत स्पीड बता रहा हूँ, सॉरी मैं अभी से स्लो बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो ये पीडी टीम न्यूज़ है फ्रेंड्स। यहाँ पर पुणे डेविल्स ने अभी तक एक मैच खेली है फ्रेंड्स कल, और वो मैच जीत गई थी। तो वो मैच में पुणे डेविल्स ने यहाँ पर डेक्कन ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से हरा दिया फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इस मैच में ये तीनों प्लेयर हीरो रहे फ्रेंड्स यहाँ पर। केनर लिविस थे, ओपनिंग पे आए थे फ्रेंड्स यहाँ पर, 57 रन नॉट आउट की पारी खेली है, उसमें 28 गेंदों का सामना किया फ्रेंड्स यहाँ पर। और नासिर हुसैन की बात करें तो फ्रेंड्स 2 ओवर गेंदबाजी किए, 18 रन दिए और 3 विकेट लिए थे फ्रेंड्स यहाँ पर। और मुनीस अंसारी की बात करें तो 2 ओवर में 11 रन और 2 विकेट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब अबूधाबी के जो भी मैच होने वाला है टी10 लीग में, ये सारा मैच सबको मैं यूट्यूब पर कवर करने वाला, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। और पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 103 से 110 रन तक बन सकता है फ्रेंड। और पिच की बात करें तो बैलेंसड है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्पिन बॉलर के लिए, फेस बॉलर्स के लिए दोनों को सेम सपोर्ट मिलने वाला है फ्रेंड्स इस पिच पे, शेख जायद अबूधाबी स्टेडियम में। और वेदर रिपोर्ट की बात करते हैं, क्लियर स्काई है फ्रेंड्स, कोई बारिश की चांसेस नहीं है यहाँ पर। दोनों टीम के फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर पुणे डेविल्स ने अभी तक इस सीजन में एक ही मैच खेले और एक मैच जीत गए फ्रेंड्स, उसके बाद बाकी बात नहीं है। कलंडर्स की लास्ट साल की फॉर्म देखा जाए तो इसमें 2 मैच जीती है फ्रेंड्स और यहाँ पर 3 मैच हार गए। तो लास्ट 5 मैच पर इनके कलंडर्स की ये डिटेल्स है फ्रेंड्स यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर विनिंग चांसेस में मैं कलंडर्स पर 100% दे रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर 50-50 भी दे सकते हो, क्योंकि पुणे डेविल्स ने लास्ट मैच जीते हैं। तो यहाँ पर आप किसी एक टीम को इतने कमजोर नहीं समझ सकते हो, तो यहाँ पर पुणे डेविल्स को भी 50-50 दे सकते हो आप दोनों टीम का। लेकिन यहाँ मैं कैलेंडर्स पे 100% जा रहा हूँ फ्रेंड्स। वो क्यों जा रहा हूँ आपको नीचे पूरे स्टार्ट्स के साथ मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर हेड टू हेड की बात करें तो फ्रेंड्स इन दोनों टीम के बीच अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेड टू हेड कहाँ से बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप आगे टीम इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टीम इन्फॉर्मेशन भी पता रहना चाहिए। तो पुणे डेविल्स के लिए यहाँ पर डेवन थॉमस और चैडविक वाल्टन है। तो फ्रेंड्स, डेवन थॉमस यहाँ पर पहला मैच में अवेलेबल नहीं है, अगर ये अवेलेबल रहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर 100% ओपनिंग पे आने वाला है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आप केनर लिविस ओपनिंग पे आए थे फर्स्ट मैच में, तो यहाँ पर केनर लिविस आप ओपनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में 57 रन की नॉट आउट पारी खेली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इनको ओपनिंग पे भेजेंगे। और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में टॉम कॉलर, कैडमोर, विरिचा अरविंद और डेवन थॉमस आ सकते हैं। और लोअर मिडिल ऑर्डर में फ्रेंड्स आपको नसीर हुसैन और केसी करन आएंगे। और यहाँ पर बॉलर्स में फ्रेंड्स यहाँ पर नसीर हुसैन, मोहम्मद आमिर, हैदर वेलजियन, मुनीस अंसारी, केसी करन है फ्रेंड्स यहाँ पर। लेकिन आपको स्पिन बॉलर के लिए नसीर हुसैन है फ्रेंड्स यहाँ पर, लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे फ्रेंड्स यहाँ पर। फेस बॉलर में फ्रेंड्स यहाँ पर मुनीस अंसारी, मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर लास्ट मैच में अवेलेबल नहीं, लेकिन अगर रहते हैं तो फ्रेंड्स आपको इनको 100% लेना है। और विकेट कीपर में डेवन थॉमस है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आगे फ्रेंड्स कलंदर्स की टीम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ पर ओपनिंग पे आएंगे टॉम बांटन और डैनियल बेल ड्रमंड है फ्रेंड्स यहाँ पर। मिडिल ऑर्डर के लिए फ्रेंड्स आपको आसिफ अली और बेन डंक है फ्रेंड्स यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लोअर मिडिल ऑर्डर यहाँ पर स्ट्रांग है फ्रेंड्स यहाँ पर, शाहिद अफरीदी, समित पटेल, शार्जिल खान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शार्जिल खान आपको मिडिल ऑर्डर नहीं, यहाँ पर ओपनिंग पे भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ओपनिंग पे जा सकते हैं। और गेंदबाजी में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शाहिद अफरीदी है, सोहेल तनवीर है, क्रिस जॉर्डन है, अली खान है और समित पटेल है फ्रेंड्स। लेकिन स्पिन बॉलर्स में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर शाहिद अफरीदी, समित पटेल है फ्रेंड्स यहाँ पर। फेस बॉलर में सोहेल तनवीर, क्रिस जॉर्डन है फ्रेंड्स यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर पुणे डेविल्स के प्लेयर स्टार्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मैच में 19 रन बनाए चैडविक वाल्टन। तो फ्रेंड्स उनकी प्रीवियस स्कोर कार्ड में बता रहे हैं चैडविक वाल्टन 19 मैच में 225 रन, किन्नर लेविस 15 मैच में 237 रन है, लास्ट मैच में अर्धशतक बनाए। टॉम कोलर कैडमोर 81 मैच में 2197 रन है। फ्रेंड्स यहाँ पर नसीर हुसैन के 31 मैच में 370 रन के साथ साथ 28 विकेट है। केसी करण नेपाल का प्लेयर है फ्रेंड्स, 21 मैच में 138 रन के साथ साथ 30 विकेट है। मोहम्मद अमीर 50 मैच में 59 विकेट से, हार्दिक विलियन 6 मैच में 7 विकेट IPL है फ्रेंड्स। यहाँ पर डेवन थॉमस 90 मैच में 1191 रन बनाए फ्रेंड्स। यहाँ पर दरवीश रसूली 26 मैच में 553 रन, मोहम्मद बूटा 16 मैच में 112 रन बनाए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पुणे डेविल्स को तो मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पर कैलेंडर्स की स्टार्ट्स मुझे नहीं मिली फ्रेंड, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो आपको मैं देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर दोनों टीम के प्लेइंग 11 की बात करें तो फ्रेंड्स इस प्रकार है, दोनों टीम के प्लेइंग 11 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिएगा। अब आगे फ्रेंड्स दोनों टीम के की प्लेयर, तो पुणे डेविल्स का की प्लेयर्स है फ्रेंड्स यहाँ पर टॉम कोलर कैडमोर, चैडविक वाल्टन, नसीर हुसैन, हार्दिक विलियन और मोहम्मद अमीर है फ्रेंड्स। यहाँ पर कैलेंडर्स के की प्लेयर्स है फ्रेंड्स यहाँ पर टॉम बंटन, शर्जिल खान, आसिफ अली, सोहेल तनवीर और क्रिस जॉर्डन है फ्रेंड्स यहाँ पर। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए फ्रेंड्स ये 6 प्लेयर आपको काफ़ी है यहाँ पर, शाहिद अफरीदी, समित पटेल, चैडविक वाल्टन, सोहेल तनवीर, नसीर हुसैन और टॉम बंटन है फ्रेंड्स यहाँ पर, कैप्टन और वाइस कैप्टन है। लेकिन अगर मैं ग्रैंड लीग पे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाता हूँ तो किस प्लेयर को बनाने वाला हूँ वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर फ्रेंड्स यहाँ पर चैडविक वाल्टन, मोहम्मद अमीर, समित पटेल है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आपको मैंने सारे स्टार्ट्स आपको मैंने दे दिया फ्रेंड्स, आपको मैं देने वाला हूँ ड्रीम इलेवन टीम, वो टीम आपको ग्रैंड लीग पे किस तरह कन्वर्ट करना, एक ही टीम दूंगा फ्रेंड्स, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए किस प्लेयर को लेना चाहिए वो टिप आपको वहाँ पर देने वाला था। चलिए फ्रेंड्स वो टिप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी भी 6 घंटा बाकी है, 6:30 घंटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरा टीम है फ्रेंड्स, मैं टीम बना के रख चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक विकेट कीपर को लिया फ्रेंड्स, चैडविक वाल्टन को, और यहाँ पर डेवन थॉमस खेलते थे आप उनको भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं चैडविक वाल्टन पर जा रहा हूँ। और यहाँ पर बैट्समैन में टॉम बंटन, डैनियल ब्रेल, ड्रमन के लिविस, कॉलर कैडमोर और ऑलराउंडर में फ्रेंड्स समित पटेल, नसीर हुसैन है फ्रेंड्स यहाँ पर, और गेंदबाजी में क्रिस जॉर्डन, सोहेल तनवीर, बेल्जियन और मोहम्मद अमीर है फ्रेंड्स यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन में के लिविस और समित पटेल पे मैं जा रहा हूँ, आप चाहे तो मोहम्मद अमीर और क्रिस जॉर्डन को भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये तो सारा डिटेल्स है, लेकिन अगर मैं ग्रैंड लीग पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाता हूँ तो किस प्रकार बनाता हूँ, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, जो भी अगर अवेलेबल रहते हैं तो आपको मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स ये तो मैं टीम बना के रख चुका हूँ, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर मेगा ग्रैंड लीग जीतना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपको हेड टू हेड तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर अगर T10 लीग की बात करें तो आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेहतर है फ्रेंड। तो मेगा ग्रैंड लीग के लिए मैं फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ, 0-5% वाले जो भी प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 0-5% वाले जो भी प्लेयर्स हैं आपको उसी प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन पे कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेयर ज़्यादा घंटा क्रीज पर टिकने वाला नहीं है, हर प्लेयर आएंगे, हर प्लेयर को मौका मिलने वाला है, क्योंकि सब प्लेयर छक्के चौके मारने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपको 0-5% वाले जो भी प्लेयर है फ्रेंड्स उसी प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन पर कन्वर्ट कीजिएगा, तो आप आराम से ग्रैंड लीग जीत जाओगे। तो फ्रेंड्स ये पूरे डिटेल्स मैंने बता दिया, अगर आपको टेलीग्राम चैनल देखना है तो फ्रेंड्स वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, यहाँ पर 190 के लगभग सब्सक्राइबर्स है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू एंड विश यू गुड लक टू एवरीवन।